नमस्कार साथियों, आज पूर्व गवर्नर माननीय सत्यपाल मलिक जी से आज भेंट की और उनको सम्मानित किया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और उन्होंने जो पिछले दिनों किसानों के पक्ष में बोलते रहे हैं उसके लिए उनके धन्यवाद दी हैं। और अब जो पुलवामा के बारे बोला है वो भी एक देश के लिए बहुत जरूरी था और उनके अति धन्यवाद दी हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात ये बता देना चाहता हूं कि जो बीजेपी की पॉलिसी चल रही है, जो बोलता है उसके ऊपर या तो सीबीआई की रेड हो जाती है, सीबीआई पूछताछ के लिए बुला लेती है, या ईडी से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाती है। और आज मैंने उनके घर पे जाके देखा है कि वो किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, उनसे उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई जेड सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी वहां पे उनको नहीं दी हुई। और ये एक अन्याय है, उनको तो जो कश्मीर में रहे हैं वहां से उनको इतना बड़ा खतरा हो सकता है उनकी सिक्योरिटी जो है वो ले लेना और उनको कोई बंगला, कोई कोठी, कोई वो बिना देना अति शर्मसार है और ये एक द्वेष भावना है। और मेरे को जो डाउट है वो ये लगता है कि अब जो है किसी ना किसी बहाने से सरकार उनको जरूर परेशान करेगी, चाहे ईडी के माध्यम से चाहे सीबीआई के माध्यम से। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम भारतीय किसान उनकी तरफ से पूरे उनके साथ में खड़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि देश के हर नागरिक को साथ में खड़ जाना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल जितने राजनेता उनके नाक में दम ये कर रहे हैं उसका एक ही इलाज है कि जनता को जागना पड़ेगा। तो हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि हम पूरी तरह से उनके साथ, उनको आश्वासन देते हैं कि पूरी तरह से उनको उनके साथ हैं और सब देशवासियों से उम्मीद करते हैं कि पूरा देश उनके समर्थन में खड़े। सबका धन्यवाद।